हेलो गाइस, मैं हूं विक्की, आपका स्वागत में नई एक और वीडियो में। तो भाई आज हैं हम अपनी वरना में। तो भाई आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूं एक जो अपने कंटेंट से रिलेटेड है। तो भाई आजकल ना अपने जो दिल्ली NCR में हैं भाई, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स भाई कर दिए हैं अपनी गुड़गांव पुलिस ने, जिनके भाई मतलब कि मत समझो अब तो हर नाके पे पुलिस है। तो भाई अपनी वरना के लिए ना कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए, क्योंकि आप जानते हो भाई वरना में ना आपको मिलता है कर्टेन्स, पीछे वाले जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे कर्टेन्स मिलते हैं। तो भाई इन कर्टेन्स पे भी कर दिया भाई, अब सरकार ने चालान काटना शुरू कर दिया है भाई, क्योंकि मेरे साथ हादसा हो चुका है। तो भाई मैंने थोड़ा भाई कर कुरा के थोड़ी रिक्वेस्ट करी और थोड़ा बोला, तो भाई वो समझ गए। उन्होंने कहा कि सर ये नए रूल्स हैं, तो भाई आप इनको लागू करो और ये सब चीजें मत करो। और ये कंपनी फिटेड थे तब इन्होंने रोक लिए, नहीं तो जो भाई साइड के होते हैं ना उनको तो भाई वो नहीं छोड़ते, साथ के साथ रखवा लेते हैं। और भाई ऊपर से इस पे जो चलान है ना भाई वो है मोटा, 5 से 10 हजार का चलान बताया है भाई उस दिन। तो भाई आप सभी वरना ओनर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा भाई, गुड़गांव में चलो तो इसको उतार के चलना, और भाई अपने कर्टेन्स भी साइड में मतलब कि उतार के रखना। अपने लोकल वगैरह में चलानी हो तो ठीक है, गुड़गांव साइड जाओ सोना वाले तो भाई थोड़ा सा देख लेना। और बाकी भाई किस्मत तो अपनी अपनी बहुत सी जगह से ऐसा हुआ भाई, मैं भी भाई बहुत सा कंफ्यूज हो गया यार, बहुत सी जगहों पे तो रोका भी नहीं और वहां पे रोक लिया सर इसका चलान है, अब बताओ भाई क्या करें। तो इसलिए भाई मैं सबको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई प्लीज अपनी ये उतार लें, अगर आप मोटा चलान नहीं भरना चाहते हो, और अगर भरना चाहते हो तो भाई बेशक लगा रखे, मोस्ट वेलकम है। और भाई ये मतलब कि अभी गुड़गांव में रूल लागू है, तो ये सिर्फ गुड़गांव वालों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। और भाई दूसरी अपडेट और देनी है मेरे को आपको कि अपनी भाई मैंने बोला था कि भाई कोई गाड़ी आ चुकी है कोई जा चुकी है, मतलब 20 दिनों में बहुत सी चीजें हो चुकी हैं। तो भाई दूसरी अपडेट ये है कि भाई अपनी जो मतलब कि फॉर्च्यूनर है 4x4 Sigma 4 वाली, वो भाई जा चुकी है, उसकी जगह भाई दूसरी गाड़ी आ भी चुकी है। और भाई बहुत अनएक्सपेक्टेड गाड़ी है, मैं आप देख के ना चौंक जाओगे। वैसे भाई उसकी हमने डिलीवरी वगैरह ले लिए तो, पर मम्मी की तबीयत खराब थी तो भाई वीडियो वगैरह नहीं बना पाए। पर उसका हमने एक चीज है, वो अभी ना कहीं रैप तो नहीं, मतलब कि वो PPF होने जा रखी है, वो गाड़ी ब्लैक कलर में है, इतनी बता देता हूँ, ब्लैक कलर में, और वो PPF होने जा रखी है। और वो गाड़ी अपने को मिलेगी, आज है भाई वेडनेसडे 9 तारीख, तो ये अपने को मिलेगी भाई कम से कम या तो फ्राइडे की शाम को या सैटरडे की मॉर्निंग में। तो भाई जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, तो उसकी डिलीवरी और दिखाऊंगा भाई। और जो अपनी भाई वो PPF हो रही है, वो हो रही है भाई रैपोहोलिक से, तो भाई वो सारी अपडेट तो आपको साथ के साथ मैं मतलब कि आने वाली वीडियोज में मिल जाएंगी। और हाँ भाई आपने एक चीज और कि जो भाई अपनी वो थी सोनेट है, वो कहाँ है भाई? वो सोनेट के साथ भाई थोड़ा सा बुरा हुआ है अपनी के साथ भाई, वो अभी एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो भाई वो कंपनी में खड़ी है। और जैसे ही वो मतलब कि मैं उसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आप देखो भाई इसकी हरकत देखो हैं भाई, वो जो है वो एक्सीडेंट हो चुकी है। जैसे अभी ये आया था ना सेम ऐसे ही वो एक्सीडेंट हुई थी, पर उस टाइम थोड़ी सी क्या मेरे सामने कोई और था भाई, उसने गाड़ी हटा ली और जाके सीधी मेरे में लगी और मेरी नॉर्मल स्पीड थी। तो भाई ये चीज थी कि वो भाई एक्सीडेंट होके अपने ठीक होने में मतलब के एजेंसी में खड़ी है, तो देखते हैं वो भाई जल्दी से जल्दी अप्रूवल वगैरह सब आ चुका है, अब भाई उसमें काम लगना है। वैसे तो कंपनी ने 1 महीना बोला है, पर देखते हैं कितनी जल्दी मिल जाती है। तो भाई एक ये अपडेट था, तो भाई 3 अपडेट दे चुका हूँ। और भाई उसकी वीडियोस वगैरह सारी पड़ी है जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, तो वो मैं जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाए होके आएगी तब वो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कितनी लगी थी और क्या कॉस्ट पड़ी। तो भाई आज की वीडियो में यही सब अपडेट देनी थी, धन्यवाद।